प्रियंका मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बाबूलाल मरांडी जी, जो बीजेपी में शामिल हो गए। सर, सबसे पहले तो एबी न्यूज में आपका बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे पहले जो सवाल है सर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से 2006 में आपने एक अलग पार्टी बनाई और 14 साल बाद अगर हम कहें कि घर वापसी की है आपने, काफ़ी लंबा वक्त रहा घर में, हो सकता है कि जिस तरह घर में मतभेद होता है, घर में लोग बिछड़ जाते फिर वापस आते, आप भी उसी तरह वापस आए, 14 सालों का काफ़ी लंबा अंतराल, अगर हम मान के चले इस चीज़ को लेके, आपसे जानने की कोशिश करें कि इतना लंबे अंतराल के बाद वापस आना, ऐसी क्या ज़रूरत आनी पड़ी कि आना? देखिए, बहुत कुछ हो जाता है उसमें, कुछ किसी को कहा नहीं जाता है। जैसे लोग कहता है ना, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। बस आ गए, उस समय मन लगा कुछ चीज़ों में कि 2006 में छोड़ दिए, वर्षों तक रहे और उस समय बीजेपी वाले भी कोशिश करते रहे कि वापस आओ वापस आओ। और 2019 चुनाव के बाद ये कहते हैं कि संजोग बना कि फिर चले आए, इसलिए उसमें से कोई कारणों के बारे में कुछ भी हम बता नहीं पाएंगे, कह भी नहीं पाएंगे, आ गए बस आ गए। आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस तरह प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, उसी तरह आप यहाँ पे वापस आए। अगर हम बात करें केंद्रीय नेतृत्व की, जब हमने केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बाबूलाल जी को भी ज़रूरत थी और हमें भी ज़रूरत थी, यानी बीजेपी को भी ज़रूरत थी और बाबूलाल की भी ज़रूरत थी घर वापसी हुई। हमने कहा कि जब आ गए तो आ गए, अब ज़रूरत जब आ गए तो फिर एक दूसरे की ज़रूरतों को हम सब लोग मिल करके पूरा करेंगे। इस चीज़ को भी लेकर चर्चा काफ़ी गर्म है और कल के बाद यानी कि 24 को सुनने में आया है कि बैठक भी बुलाई गई है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप नज़र आने वाले हैं। जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आप होंगे तो एजेंडे की अगर हम बात करें तो वो क्या हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि भाई पार्टी हमें जो भी काम देगी, जिम्मेवारी देगी, हम निश्चित रूप से उस जिम्मेवारी और जवाबदेही को हम कोशिश करेंगे उसको निभाने का ईमानदारी से। और बाकी बातें जिम्मेवारी की तो मैंने अपने ओर से कहा है कि भाई हमें अगर थोड़ा दिन फ्री छोड़ दें तो कि हम इत्मीनान से अपना काम कर सकें तो अच्छा रहेगा। और बाकी जहाँ तक एजेंडा है तो हम राजनीतिक क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से जो इस प्रदेश की जो गरीबी है, भुखमरी है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, अशिक्षा है, तो एजेंडा तो इसी के इर्द गिर्द रहेगी, इसे हमें कैसे ठीक करना है, तो उससे दूर एजेंडा हमारा कुछ भी नहीं रहता है और किसी इंसान का भी नहीं रहता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आम लोगों की जो ज़रूरतें क्या है, हर इंसान के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब इसको ठीक करने के लिए तरह तरह के लोग काम करते हैं, तो उसी प्रकार से हमने कहा कि एजेंडा तो उतना ही है, अब उसी एजेंडा को यानी उसी को ठीक करने के लिए फिर कई काम सरकार भी करती है, कई गड़बड़ भी करती है, तो उसी के इर्द गिर्द सारे कुछ रहेगा एजेंडा, उससे हट करके कोई एजेंडा नहीं होगी। हेमंत सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे, क्या देख पाए हैं अभी तक उनके कार्यकाल को लेकर? देखिए, अभी तो उनका कोई खास कार्यकाल दिखा नहीं है क्योंकि 1.5 महीना अब लगभग अब 2 महीना होने को चला है, तो इसमें से अगर आप सरकार को देखें तो कुल मिलाकर के सरकार ट्विटर पर ही चल रही है। कई दिनों तक तो खजाना से भी पैसे को निकासी के बंद किए हुए थे, आप शायद सुनते हैं 1-2 दिन पहले निकासी का भी कुछ आदेश हुआ है, तो अभी तो सरकार कुछ कर भी नहीं रहे, करते हुए दिख भी नहीं रही है, सरकार अभी घूम रही है, टहल रही है, इतना ही अभी दिख रहा है।
आपने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने ट्विटर पर ही सरकार चलाई है, आपने तब भी जब आपने बीजेपी में आए थे तब भी आपने यही सवाल उठाया था। बाबूलाल जी, अगर हम जेवीएम की बात करें और बीजेपी की बात करें, हालांकि प्रदीप यादव के बारे में हम जानना चाहेंगे, वो बड़ी करीबी रहे आपके, बड़ा अच्छा तालमेल रहा, दोनों का राजनीतिक सफर भी बहुत अच्छा रहा, और जब दोनों बिछड़े तो कटुता रही, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी ओर से कोई कटुता नहीं है, हमारी ओर से उनको शुभकामना है। क्योंकि हम प्रदीप यादव जी है, एक तो साथ में हम लोग रहे, और जुझारू लीडर है, जन समस्याओं को लेकर के लड़ने वालों में से है, बंधु तिर्की जी भी वर्षों से साथ भी हम रहे और अलग अलग भी रहे, तब भी वो मिलते रहे और जन समस्याओं को लेकर के लड़ते रहे। अब कुछ वैचारिक कारण से अगर एक साथ हम लोग नहीं चल पाए तो उसके कारण से कोई मन में कटुता नहीं है। हमारी ओर से दोनों ही लीडर को शुभकामना है और हम दोनों से यही आशा करेंगे झारखंड की जो जन समस्या है, यहाँ की जो तकलीफें हैं, उन मुद्दों को लेकर के, चूंकि वो लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ जिन लोगों के आज सरकार है, तो अच्छे ढंग से लोग काम करें, ये हम उम्मीद करेंगे। हमारी सदैव अच्छे कामों के लिए साथ रहेगा। आपने जिस तरह से झारखंड के राजनीतिक हालात को देखे, बनते बिगड़ते, आप पहले मुख्यमंत्री रहे जब झारखंड पनपा, तब झारखंड की बागडोर आपके हाथ में थी, तब से लेकर अब तक का सफर, और आपने जेवीएम को अपने तरीके से चलाया और अभी आप बीजेपी में हैं, तो क्या जेवीएम के जैसा ही बीजेपी को चलाएंगे कि उसमें उतार चढ़ाव आएगा? नहीं, पहले बात तो कहूँगा कि झारखंड विकास मोर्चा बिल्कुल क्षेत्रीय पार्टी थी, झारखंड में काम, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी जो कोई भी होता है वो राष्ट्रीय सोच के साथ आगे बढ़ती है, उनके सामने कई प्रकार की चीज़ें होती है जोड़ करके, उसको ध्यान में रख करके वो काम करती है, और स्वाभाविक है। तो फिर जैसे हम पहले काम करते थे वैसा नहीं करेंगे, यहाँ चूँकि एक बड़े परिवार के अगर हम एक हिस्सा है तो फिर उस परिवार के जो कुल खानदान के जो रीत नीत है कुछ तो हम जानते ही हैं, तो इसलिए हमने कहा कि भाई उसका तो सबको पालन करना होता है और हम ये करेंगे। जेवीएम के साथ सैकड़ों लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वो भी उनकी भी कोशिश होगी कि जिस तरह से जेवीएम में उन्हें सम्मान मिला, बीजेपी भी में मिले, तो उसके लिए क्या आपकी कोशिश होगी? निश्चित रूप से, जो हमारे साथ जेवीएम के साथ काफ़ी लोग जुड़े थे और काफ़ी लोग 17 तारीख को भी आए, शामिल हुए, सबने देखा भी और बढ़ चढ़ करके सबने काम किया, आज भी उन लोगों में उत्साह है। हमारी कोशिश होगी सबों में सामंजस्यता हो, लोग घुल मिल जाए और साथ मिल करके काम करें। 2019 चुनाव की अगर बात करें, बीजेपी का ऐसा वर्स्ट रिजल्ट आया, कहाँ एक ऊंचे पायदान से नीचे पायदान पे फिसल कर आ जाना, मात्र 25 में सीमित जाना, तो ऐसे में बागडोर आप थामे हैं बीजेपी का, तो मुश्किल नहीं लगता बाबूलाल जी? देखिए, हम तो इससे कठिन दौर से हम चले हैं, जहाँ आप सोच सकते हो 2011 में हमारे पास 9 में 11 विधायक थे, उस वक्त एक एमपी भी हम थे, फिर बाद में एक और एमपी बने, और 2014 में 8 सीट पर आया, 2019 में 3 सीट जीते। तो हमने कहा कि इससे भी हमने कठिन दौर को देखा है, और जो आज बीजेपी जहां आप देख रहे हैं उससे भी जो और कठिन दौर था, हमने 85 के भी दौर को देखा है, 90 के भी दौर को देखा है बीजेपी में रह करके, 95 के दौर को भी देखा है, और 2000 में राज्य के मुख्यमंत्री बने उस दौर को भी देखा है, और आज भी हम 2019 में, तो आज बीजेपी के पास 25 विधायक है, तो ये कम नहीं है 25, और उसके बाद फिर हम विलय कर गए तो मिलकर के 26 हो गए, बड़ी संख्या है, इसको कहीं से भी कम नहीं मान सकते। हाँ, सत्ता में उतार चढ़ाव होता है, जो सत्ता में होते हैं कभी किसी कारण से अगर